चंडीगढ़ की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी को मनाने का काम नहीं। तो एक एक गली, एक एक गांव, एक एक कॉलोनी में ऐसा है सबके साथ पारिवारिक रिलेशन है। अर्थ प्रकाश टीवी में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के घर, क्योंकि आज उन्होंने चंडीगढ़ के जो उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार संजय टंडन जी को अपने घर एक वेलकम पार्टी पे बुलाया है। जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है। ज्ञानचंद गुप्ता से बात करने से पहले हम कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की रणनीति के साथ भाजपा उतरी है चंडीगढ़ के रण मैदान में। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल शुक्ला है। मैं चंडीगढ़ में, मेरे पास है भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी। आज जो समागम है ज्ञानचंद गुप्ता जी के घर, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, इनका एक पारिवारिक रिलेशन है। इन्होंने राजनीति में काफ़ी समय से इकट्ठे रहे हैं और एकदम घर की तरह इनके पिताजी के साथ इनके अच्छे संबंध रहे ज्ञान जी ने, और इनके पिताजी को देख करके ज्ञान जी ने राजनीति करनी शुरू करी थी और तब से एकदम एक पारिवारिक है और एक स्वाभाविक है। जब एक परिवार के व्यक्ति को जब कभी टिकट मिलता है या ऐसे सौभाग्य का मौका मिलता है, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, जैसे ज्ञान जी जब जब लड़ते रहे तो संजय जी दिन रात वहाँ पर जितने दिन नॉमिनेशन से पहले और रिजल्ट आने तक ज्ञान जी के चुनाव में करते थे, तो आज उसी का एक नतीजा है कि जो आदमी बोता है वही पाता। तो ज्ञान जी, संजय जी ने बहुत अच्छा काम किया था ज्ञान जी के लिए और इसी करके ज्ञान जी ने एक उनके लिए स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा हुआ। जैसा कि देखा गया, अब तक चंडीगढ़ भाजपा में बहुत गुटबाजी रही है, क्या ये, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जी का संबंध चंडीगढ़ भाजपा से रहा है, क्या ये रूठों को मनाने का कोई प्रयास तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट टाइम। देखिए, मैं 96 जब सतपाल जैन जी चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, मैं तब से सक्रिय, क्योंकि उसके पहले तो मेरी एक बड़ी कम उम्र थी, तब से लेकर के आज तक यही रहा कि ये गुट नाराज है। लेकिन पहली बारी चंडीगढ़ की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी को मनाने का काम नहीं। जिस दिन संजय जी के टिकट की घोषणा हुई थी, गांव हो, कॉलोनी हो, पुराने कार्यकर्ता हो, नए कार्यकर्ता हो, युवा मोर्चा हो या सीनियर सिटीजन, सभी लोगों के दिल में एक ऐसा हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ, संजय जी को टिकट मिलने के बाद जब हम पहले पार्क वगैरह में जाते थे तो कई लोग कहते थे बीजेपी में कैंडिडेट ठीक नहीं दिया है, यहाँ से नहीं दिया, तो उसका एक आज परिणाम मिला है कि आज वही लोग कहते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति को टिकट मिला है। और संजय जी का तो एक एक गली, एक एक गाँव, एक एक कॉलोनी में ऐसा है सबके साथ पारिवारिक रिलेशन है और इन्होंने कभी किसी के साथ राजनीति नहीं किया। जो भी काम लेकर के इनके पास जो जाता है उस काम को करके और फोन करके बताते हैं कि आपका ये काम हो गया, जाकर के उस अफसर से मिल लो। तो ऐसा नेता जो कई साल से चंडीगढ़ वालों की ज़रूरत थी, और आप मानेंगे नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन इनका टिकट हुआ कार्यकर्ताओं में ना जैसे बरसों से इंतजार था, आप मानिए जैसे 14 साल बाद भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे, तो राम का जिस तरह से इंतजार था, जैसे 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, हिंदुस्तानी और सनातनियों को, हिंदुत्व को एक इंतजार था, वैसे चंडीगढ़ वालों को संजय जी के इस आज के दिन का, इस समय का एक बहुत दिन से, कई साल से इंतजार था। पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में रही है, लेकिन चंडीगढ़ के जो मेन मुद्दे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लाल डोरे की बात करें, EWS की बात करें, बूथों की बात करें और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो तो 10 साल में एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि ये जो संजय टंडन जी अब आएंगे तो क्या ये मुद्दे मतलब सॉल्व होंगे? मैं 1000% दावे के साथ कहता हूँ ये मुद्दे भी सॉल्व होंगे, लेकिन मैं दूसरी तरफ कांग्रेस पिछले 10 साल में क्यों नहीं हो पाए? चलिए, ऐसे था ना कि उन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए। जो एक हमारे गांव और कॉलोनियों के बच्चे जो नशे की तरफ जाता था, किरण जी ने गांव-गांव के अंदर, कॉलोनियों के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने का काम, ताकि बच्चे खेल सके, ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जब किसी को दिखाई ना दे, रहेगी बात है ये गांव का। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, मैं मुद्दों की बात करता हूँ, चंडीगढ़ के मेन मुद्दे जिनके ऊपर जो आपका संकल्प पत्र रहा है, जो आपका घोषणा पत्र रहा है, आपने जो वादे किए थे, आप 10 साल में पिछले वो वादे पूरे ही नहीं हुए। नहीं नहीं, नहीं। वो भी उन्होंने विषय उठाया था, वो भी पाइपलाइन में है, 1000% संजय जी उसको करवा करके देंगे। और मैं दूसरे टॉपिक पे आपसे हट करके, शायद आपके सवाल से है कि जब आप अगर जो पूरा टर्म पवन बंसल जी शहर के अंदर सबसे ज़्यादा दिन तक राज किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को बेघर किया गया तो पवन बंसल जी के टाइम पर किया गया। सबसे ज़्यादा बुलडोजरों का जो चलते थे लाल डोरा के बाहर, तो पवन बंसल जी के टाइम पे चला। मेरा मुद्दा पवन बंसल जी नहीं है, मेरा मुद्दा है कांग्रेस 10 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी रही है तो
तो मुद्दे वहीं के वहीं क्यों रहे? ये काफ़ी हुआ काम है। आप देखिए ना, आप लाल डोरे की बात आप कर रहे हैं, लाल डोरे में तो कभी भी हमारा आज तक बुलडोजर तो भेजते भी नहीं है, ठीक है ना। हमारे कम से कम उनको बोला गया कि हम गृह मंत्री से बात करके हमारे वो देखिए, कोई भी चीज़ इतना जल्दी बन नहीं जाता है। एक कानून केंद्र शासित प्रदेश अगर जो यहाँ पे ये चीज़ होगा तो बाकी जगह भी इस तरह की। संदीप जी, अर्थ प्रकाश टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो चंडीगढ़ की भाजपा की रणनीति है उसकी अगर बात करें, आज तक कोई भी उम्मीदवार जब भी घोषित किया गया तो जो उसकी आंतरिक फूट है वो सामने आई है, हमेशा उसका विरोध हुआ। जो भी उम्मीदवार हुआ, पहली बार हुआ कि आज संजय टंडन जी का विरोध नहीं है, इसके पीछे के क्या कारण है? इसके पीछे संजय जी की साफ छवि, परिवार का एक अच्छा अनुशासन जो हमेशा पार्टी के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और साथ में जितने भी ग्रुपिज्म वाले चांसेस थे वो पैदा ही नहीं हो सकते, क्योंकि संजय जी हमेशा सबको साथ लेके चले हैं। 10 साल तक वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को पर्सनली जाकर पूछते रहे हैं, एक एक व्यक्ति से उन्होंने एक पारिवारिक संबंध बना के रखे हैं, फिर फूट का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर किसी और व्यक्ति को मिलती तो हो सकता था खींचातानी होती, फूट होती, लेकिन जब सवाल संजय टंडन जी के नाम का हुआ, ना तो शहर में किसी तरह की फूट की कोई संभावना रही, ना ही प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। आज ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इनको, संजय टंडन जी को अपने घर पे बुलाया, इसके पीछे की रणनीति क्या? क्योंकि वो तो हरियाणा विधानसभा से हैं, तो चंडीगढ़ के प्रत्याशी को उन्होंने बुलाया, तो उसके पीछे की रणनीति क्या रही है? रणनीति नहीं है, एक पारिवारिक संबंध है, एक पार्टी का संबंध है, एक भाईचारा है। ज्ञानचंद जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा चंडीगढ़ से आरम्भ करी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष रहे भाजपा। हाँ, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ बीजेपी से अध्यक्ष रहे हैं और वो अपने पुराने जो भाजपाई हैं उनको, सबको जो रूठे भी होंगे उनको मनाने का एक प्रयास हो सकता है। चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रहे, चंडीगढ़ से महापौर रहे, और चंडीगढ़ के ऐसे नेता रहे जिन्होंने हम जैसे जो बिखरे हुए थे लड़के उनको इकट्ठा करके एक भाजपा की एक सही राह पर चलाने का प्रयास किया। संजय टंडन जी के साथ उनका एक पारिवारिक संबंध है, बलराम जी दास टंडन जो संजय जी के पिताजी थे, उनके साथ ज्ञान जी का एक पुत्र और पिता वाला नाता था। पारिवारिक संबंध होने के साथ साथ, पार्टी का संबंध होने के साथ साथ, और चंडीगढ़ के प्रधान रहने के साथ साथ, मेयर रहने के साथ साथ, और अपने हाथों से जिन नेताओं को आज एक वृक्ष के रूप में तैयार किया, जब उनका एक फल देने का समय है, एक फूल देने का समय है, ऐसे समय में ज्ञानचंद जी जैसे नेता पीछे कैसे रह सकते थे? वो तो पहले वाली पंक्ति में खड़े होने वाले नेता हैं जो हाथ पकड़कर चलाने वाले थे, आज हाथ पकड़कर जिताने वाले हैं, वो उन नेताओं में से। कांग्रेस ने मनीष तिवारी को मैदान में उतारा है, वो पहले भी सांसद रहे हैं, अनंतपुर से रहे हैं, लुधियाना से रहे हैं, तो कैसा देखते हैं चंडीगढ़ में जो मुकाबला रहेगा वो कैसा रहेगा? देखिए, मुकाबला राजनीतिक पार्टियों को तो हमेशा रोचक रहता है, खींचातानी रहती है, लेकिन भाजपा की अगर मैं बात करूं और ख़ासकर संजय टंडन की बात करूं, तो यहां पर मुकाबला कोई खींचातानी वाला नहीं है, दूर दूर तक भी मुकाबले वाली बात नहीं है। पहली बात, एक व्यक्ति जो शुरू से शहर में रहा हो, जिसके परिवार ने शहर की सेवा करी हो, 10 साल तक भाजपा अध्यक्ष रह के जिसने शहर की सेवा करी हो, एक एक गली मोहल्ले, एक एक कॉलोनी, एक एक सेक्टर की समस्या जिसको पता हो, जिसके टिप्स पे हर एक व्यक्ति की समस्या हो, वो काम करने में सक्षम होगा, और लोग भी पसंद करेंगे कि हमारा सांसद हो, हमारे शहर का हो, जो हमारी प्रॉब्लम्स को जानता हो, हमारी परेशानियों को जानता हो, और जिसकी रात को जाके कभी भी घंटी बजा दें उठकर हमारे साथ चलने वाला सांसद हो, तो वो संजय टंडन है। वो तिवारी जी के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर से आया है, बाहर से आके वो शहर के लिए क्या कर पाएगा? 5 साल तो उसको शहर के समझने में लगेंगे, और तब तक विकास की तिवारी जी तो ये कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, उनके पिताजी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रहे हैं, ये तो चंडीगढ़ से ही हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में उनके पिताजी की नौकरी रही है, उस समय वो चंडीगढ़ आते रहे, बेशक यहाँ पे पढ़ते भी रहे, लेकिन जो व्यक्ति दिन रात यहाँ रहता है, पार्टी के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, जो हमेशा लोगों की समस्याओं के संग हर समय चलने को तैयार है, मैं संजय जी के बारे में जितना जानता हूँ, आधी रात को भी हमारे कई लोगों ने जिनको कभी काम पड़ा है, रात को 12 बजे जाके भी संजय जी के घर पे बेल मारी है, उनको फ़ोन किया है, संजय जी उसी टाइम उनके साथ चले हैं, उनके सारे काम किए हैं उन्होंने।
आपको लगता है कि इस बार डगर आसान होगी, क्योंकि पिछली बार आपके साथ अकाली दल था, इस बार आपके साथ अकाली दल नहीं है और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी है। कहा जाता है कि जब भी आम आदमी पार्टी ने वोट तोड़ा है वो कांग्रेस का वोट तोड़ा है, तो इस बार वो दोनों इकट्ठे हैं तो डगर आसान होगी। लेकिन जो कांग्रेस की इस समय फूट सामने आई है, क्योंकि पहले पवन बांसल जी का नाम आया था, एक मजबूत दावेदार लगते थे, शहर में रहते हैं लोग, वो शहर में रह के उन्होंने काफ़ी देर काम किया, वो होते तो हो सकता था थोड़ी मुकाबला रोचक होता, थोड़ा नज़दीकी का होता। लेकिन अब पवन बांसल जी जैसे नेता को, कदावर नेता को एकदम पीछे करके बाहर से कैंडिडेट ला के खड़ा कर दिया, फूट तो उनके बीच में पहले से ही शो होनी शुरू हो गई है। बाकी रही आम आदमी पार्टी वाली बात, उनका तो वजूद शहर में है नहीं, वो एक भेड़ चाल थी कांग्रेस और भाजपा का, जो फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलता था, अब वो चोर चोर मुसेरे भाई जब इकट्ठे हो गए हैं तो फिर लोगों का मोह टूट गया है उससे। नहीं, आपको अकाली दल टूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकाली दल के कुछ नेता हमसे अलग भले ही वैचारिक तौर पर हुए हैं, लेकिन बहुत से अकाली जो वोटर्स हैं, सिख वोटर्स हैं, वो भाजपा का झंडा थाम के चल रहे हैं और भाजपा के साथ, पहले भी अकाली दल के नाम पर वो भाजपा के साथ में ही थे, आज भी भाजपा के साथ में। आइए बात करते हैं उमेश सूद जी से। उमेश सूद जी एक्स चेयरमैन जिला परिषद पंचकुला से रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या रणनीति है भाजपा की इस इलेक्शन में। भाजपा की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार, तो उस दृष्टि से चंडीगढ़ की जो सीट है वो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और मैं भाजपा नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को देखते हुए और शहर के हर मतदाता की भावनाओं के अनुरूप जो है संजय टंडे जी को जो टिकट दी है वो काबिले तारीफ है और अब भाजपा की चंडीगढ़ से जीत को कोई रोक नहीं सकता। मैं बात करता, आपने कहा कि अब की बार 400 पार, ठीक है, लेकिन आप पंचकुला से हैं, हरियाणा से हैं, हरियाणा में जो इस समय दिख रहा है किसानों का विरोध दिख रहा है, आपके अंबाला के जो विधायक हैं वो नाराज नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आपको लगता है 400 पार वाला जो नारा है वो पूरा होगा? आप 10 की 10 सीटें ले जाने की बात करें हरियाणा में, क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि जाट बहुल इलाका जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध है? नहीं देखिए, जाति की तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा, अगर आप किसानों की बात करें तो मुझे लगता है ये लोग, जितने भी लोग किसान बैठे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से प्रेरित कार्यक्रम है, स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। ये किसान जो हैं, जो सच्चा किसान है, वो देश हित में, समाज हित में, किसानों के हित में अगर वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी को देगा। और रही हरियाणा की बात, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है और उसका एक प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी आज तक, हमने एक चुनाव लड़ भी दिया और भारतीय जनता पार्टी ने, और लेकिन कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। और दूसरी बात आपने की, हम हरियाणा से, पंचकुला से, पंचकुला और चंडीगढ़ मोहाली ये ट्राई सिटी में आते हैं और एक ही बात है, हमारा और चंडीगढ़ का जो है कोई बहुत फ़र्क नहीं है। लोग कारोबार चंडीगढ़ में करते रहते हैं पंचकुला में, कोई कारोबार पंचकुला में करता रहता है चंडीगढ़ में, तो हमारा जो है भाइयों वाला साथ है। और आज जिस दृष्टि से बैठक हो रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बुलाई है, तो हम सब की रिश्तेदारी है, हमारी सब की। देखिए, एक चीज़ होती है कर्म भूमि, एक होती है जन्म भूमि, हम सब की जो कर्म भूमि है वो चंडीगढ़ ही है, तो हम सब का कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से जुड़ाव है। और ये बहुत बड़ा समर्थन संजय टंडन जी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और ये जिस दिन चुनाव होगा आपको ये बिल्कुल दिखेगा कि किस तरीके से ये रहा।